कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारी बैचलर डिग्री आ गई जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस लेटर जो हम लेकर आए हैं अपने होम कंट्री से, तकरीबन 8,000 to 10,000 इंग्लिश टीचर को मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो ये है कि अगर कोई भी बंदा है दुबई में है, अबूधाबी में है, शारजा में है, या फिर अपने होम कंट्री में है और टीचिंग की फील्ड में जाना चाहता है, तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आना है और क्या क्या प्रोसीजर होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो चलें ज़रा थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके हेल्प से हम जो है ना एक टीचर बन सकते हैं, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं और यहाँ पे आके टीचिंग करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। उसमें क्या आ जाता है कि सबसे पहले जो है ना, जो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो ये स्टेप नंबर वन है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, ठीक है, ये जो है ना कंपलसरी है। और इसके अलावा आपके पास कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी टीचिंग वगैरह का स्कूल में कहीं आपने पढ़ाया हो, कहीं भी पाकिस्तान में हैं आप, इंडिया में हैं या कहीं भी अपने होम कंट्री में है, वहाँ पे आपने थोड़ा बहुत टीचिंग की हो, आपने जो है ना पढ़ाया हो बच्चों को, उसका एक सर्टिफिकेट वो चाहिए। फिर आप यहाँ पे आएंगे, आपके पास ये जो है ना आपका बैचलर डिग्री है और आपके पास जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, वो आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप यहाँ पे लेकर आएंगे। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई क्या करने के, सबसे पहले तो आपने डिसाइड करने कि आपने किस एमिरेट में आपने टीचिंग करानी है, आपने किस एमिरेट में पढ़ाना है, आपने अबू धाबी में पढ़ाना है, दुबई में है, शारजा में है, आपने ये पहले चूज़ करना हो, क्योंकि फिर उस अथॉरिटी में आप जाके अप्लाई करेंगे उनकी ही उसी एमिरेट की अथॉरिटी में, और वहाँ से आप लाइसेंस हासिल करेंगे। अब जिस तरीके से दुबई का है नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और अबू धाबी का है अबू धाबी एजुकेशन एंड नॉलेज, और जिस तरह शारजा का है शारजा प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी, सबसे पहले जो आपके पास बैचलर डिग्री होगी वो अटेस्टेड होनी बड़ी ज़रूरी है, वो होगी यूएई एम्बेसी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होगी, होनी चाहिए। जो आपके टीचिंग सर्टिफिकेट्स हैं आपके अपने होम कंट्री के, पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, बांग्लादेश के हैं, वो भी अटेस्टेड होने चाहिए यूएई एम्बेसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट कॉपी होनी चाहिए एक, और एक सीवी होनी चाहिए। ये चार चीज़ें होनी चाहिए जब आप अप्लाई करने जाएंगे लाइसेंस के लिए। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारी बैचलर डिग्री आ गई जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस लेटर जो हम लेकर आए हैं अपने होम कंट्री से, वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए, ये सेकंड आ गया। और तीसरा आ गया हमारे पास पासपोर्ट कॉपी, और चौथा आ गया हमारे पास सीवी, और इसके अलावा भी एक है, पांचवा भी है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी चाहिए होगी। और अप्लाई किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के मतलब कि जो भी वेबसाइट के लिंक्स हैं जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। दुबई के लिए करना है, शारजा के लिए, अबू धाबी के लिए, तो उन अथॉरिटी में जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद आपको एक सर्टिन फ़ीस देनी पड़ेगी जो कि है 500 से लेके 1000 दिरहम के बीच में कोई फ़ीस होगी, वो ये चार्ज करेंगे आपसे। उसके बाद फिर आप जब ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो फिर आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में क्या, आपको उनकी जो अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी में आपने अप्लाई किया है वहाँ पे आपको जाके एक इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, एक एग्ज़ाम होगा आपका, वो आपको क्लियर करना होगा। आप वो क्लियर करेंगे तो जो है उसके बाद कोई आपको तकरीबन विद इन टू टू फाइव मंथ्स में आपका लाइसेंस आ जाएगा अगर अप्रूव हो गए आप। तो तकरीबन 8,000 to 10,000 इंग्लिश टीचर को मिल जाते हैं। अगर आप साइंस टीचर की बात करें तो वो तकरीबन 9,000 to 10,000 11,000 इस तरह करके उनके भी मिल जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको अरेबिक लैंग्वेज भी आनी चाहिए, कंपलसरी होती है कि आप अरेबिक भी, आपको ये एक प्लस पॉइंट है, अगर आप अरेबिक भी सीख कर आ जाते हैं तो ये तो बहुत प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी यहाँ पे हैं इदारे हैं जिनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि अरेबिक आती या नहीं आती, वो आपको एक बेसिक से शुरू कर देते हैं। फिर अगर बंदा यहाँ पे आ जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पे बंदा थोड़ी थोड़ी करके अरेबिक सीख लेता है और ग्रो कर जाता है।
तो अगर आप लोग अरेबिक सीख कर आते हैं तो फिर तो बहुत बेस्ट है, अगर नहीं सीखना तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ कम से कम अपना करियर शुरू करो। तो स्टार्ट करने के लिए, अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए 8,000 to 10,000 दिरहम भी इनफ है इनफ। तो अभी मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा है, एक मैंने आप लोग को एक बात दिखा दी है कि किस तरीके से आएँ, किस तरीके से क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कुछ चाहिए, किस तरीके से आप लोग अप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा, और जो इस चीज़ पे चलना चाह रहे हैं वो ज़रूर चलें। ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, हर फील्ड में आती हैं, हर जगह पे आती हैं। अगर आप लोग इरादा कर लेते हैं तो फिर पीछे ना हटें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, यहाँ पे आएं और अपना लाइसेंस बनाएं, और इंशाल्लाह अपने करियर का आगाज़ करें यहाँ पे टीचिंग का। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोग ना समझ आई हो, काइंडली कॉमेंट से मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन बातों का रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।